चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं गांव अथारियों की खबरें। उदयपुर के वल्लभ नगर के निकट सारंगपुरा में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। किसानों के चौपाल में बिजली की समस्या कलेक्टर के सामने रखने के बाद कलेक्टर ने विभाग अधिकारियों को सुधार के निर्देश दिए। चौपाल में शौचालय बनाने को कहा और हालात के बारे में पंचायत सचिव से जानकारी भी ली। साथ ही कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिस घर में शौचालय नहीं है उसकी हर सरकारी सुविधा को रोक दिया जाए। सीकर के धोद में कासली गांव में कल देर रात आपसी विवाद होने से दो गुटों में लड़ाई हुई। इन दोनों गुटों के आमने सामने होने के बाद पुलिस के जवान तैनात किए गए। दोनों की तरफ से मारपीट के मामले दर्ज कराए गए हैं। प्राथमिक तौर पर सामने आया है कि कई दिनों से आपस में इनकी रंजिश चल रही थी जिसके चलते ये घटना हुई। बूंदी के नैनवा में राजकीय अम्बेडकर छात्रावास का बुरा हाल है। बिजली नहीं होने से छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है। मजबूरी में छात्र पेट्रोल पंप की लाइट में पढ़ाई कर रहे हैं। इस मामले में विभाग के अधिकारियों की लापरवाही सामने आ रही है। प्रशासन जानकर भी अनजान बना बैठा है। सिरोही के पिंडवाड़ा में बिना परमिट के शराब रखने के मामले में कांस्टेबल दशरथ सिंह ने तरुंगी के डोलीफली निवासी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और 10 लीटर हथकर शराब जब्त की गई। सिरोही के आबू रोड में वार्ड में विकास कार्यों के लिए लोगों ने पालिका पहुंचकर पालिका अध्यक्ष को ज्ञापन दिया। वार्ड 28 के लोगों ने बताया कि उनके वार्ड में विकास कार्यों के नहीं होने से परेशानी का सामना करना पड़ता है। वार्ड में नालियां सड़कें नहीं है, वहीं सफाई कर्मचारियों द्वारा सफाई कार्य नहीं किए जाते। अजमेर के नसीराबाद में एसीजेएम राजेश मीणा ने पुलिस नाकाबंदी तोड़कर चोरी की बुलेरो लेकर भागने और पुलिस पर फायर करने के मामले के आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दिए। अजमेर के विजयनगर में पालिका वार्ड पंच की पार्षद ने जिला कलेक्टर अजमेर को ज्ञापन भेजा जिसमें पालिका प्रशासन पर वार्ड में विकास कार्य को लेकर भेदभाव का आरोप लगाया। करौली के हिंडौन सिटी में मालगाड़ी के आगे कूदकर युवक ने आत्महत्या कर ली। ये घटना फतेह सिंहपुरा व हिंडौन स्टेशन के बीच हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी है। धौलपुर के मनिया में मिले अज्ञात शव की पहचान नहीं हुई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर उसका अंतिम संस्कार करा दिया। कुछ दिन पहले युवक का शव मिला था। जैसलमेर के रामगढ़ कस्बे में अव्यवस्थाओं के कारण कई बार जाम की स्थिति बनी रहती है। मुख्य बाजार में लोगों द्वारा अवैध थड़ी ठेले लगे होने के कारण परेशानी झेलनी पड़ रही है। चौक के निवाई में आकोड़िया से कनवाड़ा मार्ग पर आने वाले आम रास्ते पर बनाई गई ग्रेवल सड़क को खेतों में तब्दील कर अतिक्रमण कर दिया गया। प्रशासन पंचायत ने 20 साल पुराना अतिक्रमण हटाकर आमजन के लिए रास्ता खुलवाया। चौक के अलीगढ़ में बैंक खाते में चेक से राशि जमा करवाने के 8 महीने बाद भी खाते में राशि जमा नहीं हुई। ऐसे में उपभोक्ता को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। कोटा के सुल्तानपुर में ग्राम पंचायतों में डीआरजी टीम के सदस्यों और अधिकारियों के साथ ही जनप्रतिनिधि भी अपनी अपनी ग्राम पंचायतों को ओडीएफ कराने की मुहिम में जुटे हैं। सभी ने गांव में जाकर विद्यार्थियों बच्चों ग्रामीणों को मॉर्निंग फॉलोअप के दौरान खुले में शौच नहीं जाने की अपील की और खुले में शौच के नुकसान बताए। झालावाड़ के खानपुर में आकोदिया गांव में मेन चौराहे पर रोड पर नालियों और सड़क का काम अधूरा होने से गंदा पानी सड़क पर भरा है, कीचड़ हो गया है, वहीं ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। झालावाड़ के झालरापाटन में बने किसान सेवा केंद्रों को 3 साल से उद्घाटन का इंतजार है। इन भवनों के 3 साल से ताले नहीं खुल पाए, इसके चलते अब भवन बिना उपयोग के ही दुर्दशाग्रस्त होते जा रहे हैं। धौलपुर के सैंपो में गांव सैमरा में शराबबंदी के खिलाफ गांव के युवाओं और बच्चों ने हाथों में तख्ती लेकर जनजागरण रैली निकाली। गांव के कई मोहल्लों में रैली का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी तादाद में शामिल बच्चों ने शराब को समाज और परिवार के लिए घातक बताया। भरतपुर के कुम्हेर थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज हुआ। गांव गधेरा निवासी नरेश ने पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया जिसकी छोटी बहन 2 दिसंबर को शाम से बिना सूचना दिए गायब हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। झुंझुनू के खेतरी में राष्ट्रीय मीणा महासभा के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम दिनेश चंद्र भार्गव को ज्ञापन सौंपा। जहां ज्ञापन में बताया कि राजपा के प्रदेश अध्यक्ष विधायक किरोड़ी मीणा को झूठे आरोप लगाकर फंसाया जा रहा है। दौसा के महुआ के ग्राम पंचायत सायपुर पाखर में राशन डीलर की मनमानी सामने आ रही है। जहां राशन डीलर उपभोक्ताओं को समय पर राशन सामग्री नहीं दे रहे हैं, वहीं इससे परेशान उपभोक्ताओं ने बताया कि राशन डीलर गेहूं और कैरोसिन की कालाबाजारी करता है। झुंझुनू के चिड़ावा के शोपुरा गांव में विद्युत जनजागृति चौपाल का आयोजन हुआ। ट्रेडिस्कॉम एएन ने ग्रामीणों से बिजली की छीजत रोकने के लिए पंचायत स्तर पर जनचेतना लाने की अपील की।
अलवर की बहरोड पंचायत समिति की ग्राम पंचायत ढुंडारिया में लगभग दो साल पहले 147 फर्जी पट्टे जारी करने के मामले में जिला परिषद सीईओ डॉक्टर विक्रम जिंदल ने विकास अधिकारी को सरपंच के खिलाफ मामला दर्ज कराने के निर्देश दिए। अलवर के नीमराना में भैरोड कुंड मार्ग पर बिधाना गांव के पास पैदल जा रहे एक मजदूर को ओवरलोड ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिसमें मजदूर ने दम तोड़ दिया। अलवर के रैडी में बीडीओ मोहन सिंह फौजदार ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत बहड़को कला में घर घर जाकर शौचालय निर्माण का निरीक्षण किया। अलवर की कोटकासिम पंचायत समिति में आज से औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर शुरू हुआ, जहां शिविर में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना प्रधानमंत्री और भामाशाह रोजगार सृजन योजना की ऑनलाइन प्रक्रिया की जानकारी दी गई। अलवर के बांसूर में सोडावास कस्बे के बस स्टैंड पर सार्वजनिक रोड लाइट नहीं होने से शाम ढलते ही अंधेरा छा जाता है, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है। अलवर के राजगढ़ में एसडीएम की मौजूदगी में चिकित्सक सेक्टर ओएनएम की बैठक आयोजित हुई, जहां उपखंड अधिकारी सभी अधिकारियों को नसबंदी के सिलाने और लक्ष्य प्राप्ति के निर्देश दिए। करौली के नादोती में बैंकों में उपभोक्ताओं की भीड़ रही, कई एटीएम में पैसा खत्म हो गया और बैंकों में पर्याप्त राशि नहीं आ रही है, इससे उपभोक्ताओं में रोष है। झालावाड़ के पिड़ावा में राजकीय महाविद्यालय में एबीवीपी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि को निर्वाण दिवस के रूप में मनाते हुए संगोष्ठी का आयोजन किया। चूरू के रतनगढ़ में राजस्थान पटवार संघ की स्थानीय इकाई का सामूहिक अवकाश आज, चार सूत्री मांगों को लेकर तहसीलदार को पटवारियों ने ज्ञापन सौंपा, समस्या समाधान की मांग की। हनुमानगढ़ की भादरा में आबकारी पुलिस ने अवैध शराब सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तीनों आरोपियों से एक कैन में हरियाणा निर्मित शराब बरामद कर उन्हें गिरफ्तार किया। चूरू के सालासर में स्थानीय पीएनबी बैंक में कैश नहीं होने की वजह से सुबह 7 बजे से खड़े आसपास के गांव के ग्रामीणों को परेशानी हुई। हनुमानगढ़ के नोहर में राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ शाखा पीलीबंगा ने राज्य कर्मियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें केंद्र के अनुरूप 1 जनवरी 2016 से लागू करने की मांग राज्य सरकार से की। चूरू के तारानगर में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर अंजापुर में अव्यवस्थाओं का आलम है। 10 रुपए के सिक्के लेने के लिए बैंक मैनेजर ने मना किया, व्यापारियों में आक्रोश है, वहीं लोग भी बेहद परेशान हो रहे हैं। चूरू के सादलपुर में राजकीय कॉलेज के विद्यार्थियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर राजकीय कॉलेज के लिए जमीन आवंटित कराने की मांग की। ज्ञापन में लिखा है कि कॉलेज अनुदान आयोग के मानदंड अनुसार 5 एकड़ भूमि नहीं होने के कारण भवन निर्माण नहीं हो पा रहा है। चूरू के सुजानगढ़ में चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौर सहित खान मंत्री राजकुमार रिड़वा सांसद को अलग अलग ज्ञापन दिए गए। गोपालपुरा में गांव से 1 किलोमीटर दूर बने नए अस्पताल की 4 दीवारी क्वार्टर्स बनवाने की मांग की। भोजलाई रोड संघर्ष समिति ने वार्ड 40 भोजलाई रोड के गंदे पानी की निकासी की मांग की। जालौर के सांचौर में बागरी टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है, नर्मदा अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे, किसानों ने धरने की चेतावनी दी और अभी फसल बुवाई के काल में किसान पानी के बगैर हताश हो रहे हैं। बूंदी के नैनवा कस्बे के बैंकों में राशि जमा कराने आए 2 ग्रामीणों की जेब से राशि पार हो गई, जहां ग्रामीण के बैंक के अंदर राशि जमा कराने से पहले ही 30,500 रुपए पार हुए। वहीं दूसरे युवक के बीओबी के बाहर कतार में खड़े होने के दौरान 10,500 रुपए निकाल लिए गए, जहां दोनों ही पुराने नोट अपने खाते में जमा कराने आए थे। चित्तौड़गढ़ के कपासन में जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए पंचायत समिति के सभागार में विकास अधिकारी डॉक्टर कल्पना शर्मा ने कर्मचारियों की बैठक ली। बैठक में डॉक्टर शर्मा ने योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे ये सुनिश्चित करने में सहयोग करने की अपील की। वहीं कार्मिकों ने डॉक्टर शर्मा के जिला रेटिंग में प्रथम स्थान पर प्राप्त करने पर मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया। और खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट firstindianews.com पर भी लॉग इन कर सकते हैं। नमस्कार।